हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीक फिलोसोफर सॉक्रेटिस के बारे में सॉक्रेटिस जिन्हें कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ वेस्टर्न फिलासफी बट पहले जानते हैं कि फ़िलासफ़ी क्या होती है जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस रीजन नॉलेज वैल्यू माइंड एंड लैंग्वेज की सिस्टमेटिक स्टडी को फिलासफी कहा जाता है नाउ द क्वेश्चन इज हु इज़ अ फिलोसफर फिलोसोफर टर्म एंशियंट ग्रीक वर्ड फिलोसोफर्स से ली गई है फिलोसोफर्स का मीनिंग होता है लवर ऑफ विजडम सो फिलोसोफर इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन हु सीक्स विजडम और एनलाइटनमेंट दे स्टडी अबाउट नॉलेज ट्रुथ एंड द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ बट लिटरेचर पढ़ने के लिए क्या फिलोसफी भी पढ़नी पड़ेगी तो इसका आंसर है नहीं बट सॉक्रेटिस के बारे में ब्रीफली पता होना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं से इंस्पायर्ड द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट फाउंडर ऑफ क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर प्लेटो भी एक फिलोसोफर थे एंड प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल भी एक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल ने ही अपने वर्क द पॉइटिक्स में ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे में क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया जिसकी शुरुआत प्लेटो ने अपने वर्क द रिपब्लिक की बुक नंबर थ्री एंड बुक नंबर टेन में ओनली आउटलाइन से की एलेक्डर द ग्रेट एरिस्टोटल का स्टूडेंट था इसलिए प्लेटो के बारे में समझने के लिए हमें सोक्रेटिस के वे ऑफ थिंकिंग को समझना ज़रूरी है और एरिस्टोटल को समझने के लिए प्लेटो को समझना ज़रूरी है तभी हम क्लासिकल क्रिटिसिज्म को एकदम बिगनिंग से समझ सकेंगे तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सोक्रेटिस के बारे में सोक्रेटिस का जन्म हुआ था अराउंड 470 हंड्रेड एंड सेवेंटी बी एंड डेथ इन थ्री हंड्रेड एंड सॉक्रेटिस ने अपने लाइफ टाइम में अपने दिए आइडियाज थॉट्स को कभी नहीं लिखा हम आज जितना भी सॉक्रेटिस के बारे में जानते हैं वो सब सेकेंड हैंड सोर्सेज से आता है इनमें फर्स्ट नाम आता है प्लेटो का प्लेटो सॉक्रेटिस के ही स्टूडेंट थे एंड प्लेटो ने सॉक्रेटिस की लाइफ एंड आइडियाज़ के बारे में कई बुक्स लिखी हैं एंड अनदर स्टूडेंट फॉर जीनोफोन ओल्ड कॉमेडी राइटर एरिस्टोफेनिस ने अपने कॉमिक प्ले द क्लाउड्स में सॉक्रेटिस को डायरेक्टली टारगेट किया एंड उनके थिंकिंग का मजाक बनाते हुए उन्हें सॉफिस्ट कहा सॉफिस्ट मीनस समवन हु मेक्स आर्ग्यूमेंट्स बाय ट्विस्टिंग द वर्ड्स ऑफ दियर ओपोनेंट फॉर बींग एमोरल एंड फॉर टीचिंग पीपल दैट रॉन्ग इज राइट बट इसके बावजूद एरिस्टोफेनिस एंड सॉक्रेटिस में पर्सनल एनिमोसिटी नहीं थी इसके अलावा सॉक्रेटिस के टाइम पर एस्किलस पिंडार सोफोकलिस यूरोपिडस uh, काफ़ी पॉपुलर थे पॉलिटिकल टर्मोइल काफ़ी चल रहा था पर्शियन प्रेजेंट डे ईरान इन्वेजन की कोशिश हुई जिसे ग्रीक्स ने प्लेटिया में रोक दिया इसके बाद डेलियन लीग एस्टैब्लिश की गई डेलियन लीग ग्रीक सिटीज स्टेट्स की एक एसोसिएशन थी अंडर द लीडरशिप ऑफ एथेंस जिसका पर्पस था पर्शियन एम्पायर से फाइट एंड द ग्रीक सिटीज़ की सेफ्टी बट धीरे धीरे एथेंस ने अपने फ़ायदे के लिए डेलियन नेवी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इस टाइम पीरियड में एथेंस ने पॉलिटिकल हजमनी, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्ट्स आर्किटेक्चर डेमोक्रेसी एंड कल्चरल फ्लरिशिंग विटनेस की और इसका एंड हो गया था बिकॉज 431 बीसी में एथेंस की मनमानी के अगेंस्ट बाकी ग्रीक्स सिटी uh, स्टेट्स ने वॉर स्टार्ट कर दिया था इस वॉर को पेलोपोनेशियन वॉर कहा जाता है वॉर में एथेंस के अगेंस्ट बाकी ग्रीक सिटीज़ को स्पाटा ने लीड किया था इस वॉर में एथेंस की हार हुई एंड वॉर की एंडिंग के साथ ही डेलियन लीग भी डिजॉल्व हो गई तो अब तक हमने जाना सॉक्रेटिस के टाइम में एथेंस की क्या कंडीशन थी नेक्स्ट बात करते हैं सॉक्रेटिस की लाइफ के बारे में सॉक्रेटिस के फादर स्टोन वर्कर थे एंड मदर मिडवाइफ़ थी सॉक्रेटिस ने फॉर्मल एजुकेशन ली एंड दो साल की कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग करी रिमेंबर हमने अभी बात करी कि पहले वॉर चल रहा था और पर्शियन इन्वेजन भी हुआ था सो so सॉक्रेटीज़ ने ये ट्रेनिंग के बाद पेलोपोनीशियन वॉर में भी पार्टिसिपेट किया सॉक्रेटिस ने जेंथिपी से शादी की एंड इनके तीन बेटे थे सॉक्रेटिस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक्सट्रीमली अगली थे एंड उनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी ख़राब था वो पर्सनल एंड डोमेस्टिक कामों में एक्सट्रीमली केयरलेस थे बट मार्केट एंड पब्लिक एरियाज़ में सॉक्रेटिस ग्रुप ऑफ पीपल को ज्वाइन कर लेते एंड इनसे क्वेश्चन एंड आंसर मैथड में करेज लव रेवरेंस ट्रुथ एंड उनकी सॉल के बारे में डिस्कस करते ऑपोजिट ऑफ सॉक्रेटिस उस टाइम पर ज़्यादातर फिलोसोफर्स यूनिवर्स गॉड्स वर्शिप इन्हीं के बारे में और नॉलेज uh, गेन करने के लिए ट्राई करते थे बट सॉक्रटिस ने ही फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया कि हमें हमारे बारे में बात करनी चाहिए फिलोसफी का एक्चुअल मीनिंग होना चाहिए लोगों को अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं इस बारे में गाइड करना सो so, सॉक्रोटीज़ की अप्रोच प्रैक्टिकल थी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सॉक्रेटिस ने अपने कोई रूल्स या डॉक्ट्राइंस या डॉगमास नहीं दिए बिकॉज सॉक्रेटिस का कहना था कि मैं एक बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता सॉक्रेटिस का कहना था कि इस दुनिया में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो डिबेटेबल नहीं है एंड डिबेट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू हम ट्रुथ को जान सकते हैं समझ रहे हो सॉक्रेटीज़ का क्या मीनिंग था कि हमें एक हेल्दी डिस्कशन पर फोकस करना चाहिए सामने वाला पर्सन अपनी बात कहे और उसकी सुनने के बाद हम अपनी बात रखें इसके बाद दोनों एक दूसरे के थॉट्स पर क्वेश्चन आंसर करें एंड लास्ट में म्यूचुअली एक कंक्लूजन पर पहुँचें जिससे ट्रुथ को जान सकें सॉक्रेटीज़ ने हर बात पर क्वेश्चन कर आंसर ढूंढ कर ट्रुथ जानने की बात करी सॉक्रेटिस के इस वे ऑफ थिंकिंग से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए सॉक्रेटिस ने कई पब्लिक डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया एंड एप्रिसिएशन पाया सॉक्रेटिस ने अथॉरिटीज़ पर क्वेश्चन करना भी स्टार्ट किया कि अगर बाकी सब चीज़ें डिबेटेबल हैं तो अथॉरिटीज़ भी डिबेटबल हैं सोक्रेटिस का मानना था कि डेमोक्रेसी पब्लिक के लिए अच्छी नहीं है बिकॉज इसमें तो कोई भी पर्सन जिसे पता है कि लोगों को क्या सुनना पसंद है वो बातें सुना करके वोट गेन कर सकता है अगर पब्लिक की लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉग नहीं है तो उन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है इस तरीके की थिंकिंग से स्पेशली यूथ बहुत इंस्पायर हो रहा था अथॉरिटीज़ को लगने लगा कि सॉक्रेटिस डेंजरस होते जा रहा है और कल को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम बन सकता है इसलिए सॉक्रेटिस पर ट्रायल चला इम्पाइटी मीन्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट इस्पेश फॉर गॉड और रिलीजन एंड फॉर करप्टिंग एथेनियन यूथ जजेस ने डिसीजन दिया कि सॉक्रेटिस को फिलासफी बंद करनी पड़ेगी और रिटायर होना पड़ेगा एंड आगे की लाइफ प्राइवेटली बितानी पड़ेगी बट सॉक्रेटिस ने ये डिसीजन मानने से मना कर दिया कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानने पर सॉक्रेटिस को डेथ सेंटेंस मिला और उन्हें पॉइजन प्लांट हैमलॉक पिला करके मार दिया गया सॉक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो ने अपने सभी वर्क्स डायलॉग्स की फॉर्म में ही लिखे जिस तरह से सॉक्रेटिस लाइव डिस्कशन किया करते थे एक्जैक्टली exactly उसी वे में प्लेटो ने अपने डायलॉग क्रीटो एंड फेडो में इंस्पिरेशनल मैनर में यू नो इमेजिन किया है कि जिसमें जजमेंट को एक्सेप्ट करने से सॉक्रेटिस मना कर देते हैं एंड उसके बाद क्या क्या होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है अनदर वर्क अपॉलोजी में प्लेटो ने सॉक्रेटिस पर चले ट्रायल को डीपली डिस्क्राइब किया है सॉक्रेटिस के आइडियाज एंड मैथड्स ग्रीक स्कूल्स ऑफ फिलासोफ़ी के लिए एज अ फाउंडेशन काम करते रहे हैं सो आई होप आपको सॉक्रेटीज़ पर बेस्ड ब्रीफ बायोग्राफिकल डिस्कशन समझ आ गया होगा सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम